गाइस आपको मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो के अंत को ज़रूर देखिएगा। और यहाँ का प्राइस आपको बता देता हूँ, जो नॉन एसी है वो आपको मैक्सिमम 1000 तक। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस इट्स 5th February मंडे एंड इट्स 7:30 AM राइट नाउ। गाइस मैं सुबह 6:30 अराउंड उठ गया था, रेडी होके मैं जाने वाला था हॉस्पिटल के लिए, पर उधर से मामा का कॉल आया। उन्होंने कहा है कि उसे खाना और पानी पीने के लिए मना कर गया क्योंकि उसका कुछ टेस्ट होने वाला है। तो गाइस अभी मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि सैटरडे को मैंने एक सिटी स्कैन का रिपोर्ट सबमिट किया था उधर, जो ईटानगर से हम लोग करके आए थे उसका जो रिपोर्ट था उसको मैंने सबमिट किया था। और तो वो लोग कुछ स्कैनिंग करने वाले थे उसका, तो उस स्कैनिंग करने की वजह से तो सैटरडे में कुछ मशीन का प्रॉब्लम था इसलिए वो लोग कर नहीं पाया। तो वो लोग कहा कि मंडे तक मिल जाएगा रिपोर्ट। तो आज मंडे है और 8:30 AM तक वो खुलेगा। मैं वेट कर रहा हूँ उसके लिए कि वो खुल जाए और मैं रिपोर्ट लेके जाऊँ मामा के पास और दे दूँ और डॉक्टर और नर्सेस को, उसके बाद आगे का प्रोसीडिंग्स होगा। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि अभी मैं निकलूँगा थोड़ी देर में जब 8:30 हो जाएगा। और गाइस आपको मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो के अंत को ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा कि CMC वेल्लोर आने से पहले आपको कैसे अपॉइंटमेंट लेना चाहिए और क्या क्या चीज़ करना चाहिए आने से पहले अगर आप अरुणाचल से हो। और बाकी अरुणाचल के लिए स्पेसिफिक कुछ बातें भी रहेंगे और बाकी वीडियो सबके लिए सेम ही रहेगा कि यहाँ आने से पहले क्या करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कैसे आना चाहिए, क्या गाड़ी पकड़ना चाहिए, कैसे कैसे करके आना चाहिए। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लास्ट में शेयर करूँगा। तो अभी मैं जैसे निकलूँगा आपको दिखाऊँगा कहाँ मैं जा रहा हूँ, कौन से जगह से रिपोर्ट ले रहा हूँ, उसके बाद किधर मूव ऑन कर रहा हूँ, कौन सा जगह क्या है, तो ऐसे स्मॉल डिटेल्स मैं आपको शेयर करूँगा। तो गाइस वीडियो पे बने रहेगा, थैंक यू गाइस। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं। और ये लॉक कर दे रहे हैं हम लोग अभी। तो मेरे रूम से निकलते ही मेन एंट्रेंस सामने ही दिखेगा आपको। गाइस अभी आपको नीचे जाके दिखाऊंगा, ऊपर से तो आपको दिखा दिया मैंने होटल कितना नज़दीक है, तो नीचे जाके आपको दिखाऊंगा उसका मेन गेट। और अभी हम लोग मेन गेट से नहीं घुसेंगे, तो आगे थोड़ा जाएंगे क्योंकि जो रिपोर्ट लेना है वो जुबली गेट से है। तो आपको जुबली गेट भी दिखाता है और जुबली गेट के अंदर है आपका जो पॉल बैंड ब्लॉक वो भी आप देखिए। तो अभी आपको दिखाते हैं मेन गेट का एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस का व्यू। हॉस्पिटल के बगल में ही है। तो ब्रेकफास्ट लेना था लेकिन हम लोग अभी जा रहे हैं विदाउट ब्रेकफास्ट क्योंकि मामा के साथ ही करना है ब्रेकफास्ट, तो अभी जा रहे हैं। ये मेन गेट है और तो अभी हम लोग जा रहे हैं जुबली गेट। अभी हम लोग जा रहे हैं पॉल बैंड ब्लॉक और जुबली गेट के थ्रू घुसेंगे अंदर। इस जब भी आप इधर आओ तो मास्क ज़रूर पहनिएगा। मेरा मास्क जो है मैं रूम को भूल गया हूँ, तो अभी मैं इधर से गेट के सामने से ख़रीद लूँगा क्योंकि यहाँ हर गेट में बेचते हैं लोग। तो चलिए चलते हैं। हमने रोड क्रॉस कर लिया है क्योंकि लेफ्ट साइड पे है जुबली गेट जहाँ बस का एंट्री होता है। चलिए दिखाते हैं हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं जुबली गेट पे। चलिए अंदर चलते हैं। एरिया है जुबली गेट और देखिए यहाँ बहुत लोग, सिक्योरिटी गार्ड्स की कमी नहीं है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं पॉल बैंड ब्लॉक, दिखाते हैं आपको। ओके इट्स पॉल ब्रांड ब्लॉक, देखिए पॉल ब्रांड ब्लॉक। तो पता नहीं अभी खुलेगा कि नहीं, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो अराउंड 8 को आया था लेकिन खुला नहीं था, तो इट्स 8:30 को ही लास्ट टाइम खुला था। तो देखते हैं अभी। यह है पॉल ब्रांड ब्लॉक, अंदर जाना पड़ता है, वेट करते हैं अंदर। इस अभी हम लोग हैं पॉल ब्रांड ब्लॉक के बाहर और अभी जैसे आपको बताया था कि 8 बजे लास्ट टाइम भी आया था पर खुला नहीं था, सेम अभी भी वही हो रहा है और वो लोग बोल रहे हैं कि 8:30 को आने कर। तो मैं वेट कर रहा हूँ इधर ही बाहर, फिर वहाँ मामा के साथ जाने के फिर वापस आने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए आपको सराउंडिंग्स को दिखाते हैं।
ये एक मेन रोड की तरह है, आप देखिए यहाँ बस है और वहाँ ट्रैफिक पुलिसमैन है, वहाँ गाड़ियों को रोक रहे हैं, पूरा ट्रैफिक बना हुआ है। जैसे आपको बताया था कि यहाँ बहुत सारे गार्ड्स हैं और बहुत सारे लोग भी अभी प्रेजेंट, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल है और गार्ड्स भी बहुत हेल्पफुल है। तो आप किसी से भी पूछ सकते हो, कुछ डायरेक्शन आपको चाहिए होगा, किसी ब्लॉक के बारे में पता करना होगा तो आसान से पूछ सकते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कितना जल्दी पहुँचता है वो लोग, 8:30 बोल रहे थे तो वेट करते हैं अभी। तो वो लोग आ गए हैं इसलिए मैं अंदर गुजरा हूँ अभी और जाके अभी पूछता हूँ वो रिपोर्ट के बारे में। तो गाइस उन्होंने कहा है कि वेट करने को, तो और अभी स्कैनिंग का काम चल रहा है। तो फाइनली मेरे ख्याल से हो गया है और अभी लेके चलते हैं हम लोग कागज़ को। तो गाइस रिपोर्ट मिल गया है एंड अभी हम लोग जाएंगे मामा के उधर जो कि है के ब्लॉक। तो हम लोग इधर से भी जा सकते हैं लेकिन मैंने मास्क नहीं लिया है, इसलिए फिर से जहाँ से आया है उधर से निकल के फिर मेन गेट से एंटर करता है। चलिए चलते हैं। तो हम लोग उधर से आए थे जो कि है जुबली गेट। जुबली गेट से घुसने के बाद राइट टर्न में ही आपको मिलेगा वॉल्वरिन गेट। चलिए चलते हैं, यहाँ मार्क्स नहीं मिला तो मेन गेट में तो श्योर नहीं मिल जाएगा। तो गाइस मैंने ले लिया है मार्क्स, मैंने 5 मार्क्स लिया है तो बाद में भी ये काम आ जाएगा, बाद में भी काम आ जाएगा। तो अभी अब मैं पहुँच गया हूँ मेन गेट, मेन गेट पे है हम लोग, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये है मेन गेट और एंटर कर रहे हैं हम लोग अभी। तो मेरा मामा का ब्लॉक है के ब्लॉक, तो चलिए मिलते हैं के ब्लॉक पे। रिपोर्ट छुट्टी नहीं, नो छुट्टी, इट्स छुट्टी। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट लेने, तो उन्होंने कहा था कि कुछ टेस्ट होगा पर फिर अभी बोल रहे कि टेस्ट नहीं होगा, 12 बजे आफ्टरनून को होगा। तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ खिला दीजिए और उसके बाद 9:30 या 10 o'clock के बाद पानी और खाना खिलाना नहीं है। तो अभी मैं लेने जा रहा हूँ उसके लिए ब्रेकफास्ट और वो खाएँगे पोंगल या तो उपम, दोनों में से कुछ एक लेके आएंगे, मैं भी खाऊँगा तो शायद दोनों ही लेके आ जाऊँगा। चलिए जाते हैं और लेते हैं ब्रेकफास्ट, पता नहीं ये लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। चलिए चलते हैं। तो गाइस मैं बाहर आ गया हूँ और बाहर आने के बहाने में आपको एक इम्पोर्टेंट प्लेस दिखाता हूँ इधर का, तो देखिए चलिए देखिए, तो चलिए देखिए। तो ये है 603 एक्सिस, आपको बताते हैं आगे से। अगर आप सिल्वर गेट और मेन गेट से एंटर करते हो तो अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो इधर आइए, 603 एक्सिस, और ये देख सकते हैं आप। तो मैंने उपमा और पोंगल के लिए पे कर दिया है और अभी उधर जाके देंगे तो वो लोग पैकिंग शुरू करेंगे। थैंक यू। तो गाइस मैंने ले लिया है पानी और खाने का, पोंगल और उपमा, उपमा ना उपम पता नहीं। तो अभी रोड क्रॉस कर रहा है, देखिए ये है मेन गेट, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज का मेन गेट ये है। बहुत ही डिसिप्लिन वे में हर चीज़ होता है, वॉकिंग के लिए अलग जगह, एंट्रेंस के जगह से आप नहीं आ सकते अंदर, यहाँ हर चीज़ सिस्टम से चलता है। और यहाँ आप रोड के रूल जैसा ही है, वन वे रहता है कि आप वहाँ से आ जा सकते हैं लेकिन अलग अलग ब्लॉक से अलग अलग रास्ते हैं। तो गाइस आपको बताना चाहूँगा कि
यहाँ का जो जनरल वार्ड है बहुत ही अच्छा है, फुली एयर कंडीशनड है, तो यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, बस आने जाने में प्रॉब्लम है। तो अभी जाएंगे और करेंगे ब्रेकफास्ट मामा के साथ। मैं अभी खाया नहीं हूँ अभी तक कुछ, चलिए मामा के साथ चलते हैं और खाते हैं। तो गाइस अभी सीनियर डॉक्टर्स आए हुए हैं, जो रिपोर्ट मैंने लाया था उसको वो लोग देख रहे हैं और एग्जामिन कर रहे हैं। और तो गाइस अभी मामा का प्रेशर चेक हो रहा है और अभी हम लोग निकल रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। मामा का दो टेस्ट होगा, एक स्पेक्ट्रोमेट्री है और दूसरा होगा स्प्यूटम टेस्ट। मामा को ऑपरेशन करने से पहले हर तरह का टेस्ट कर रहे हैं वो लोग, ताकि ऑपरेशन के वक्त कुछ रुकावट ना आए और अगले दिन ब्रोंकोस्कोपी भी होगा। तो हमारा काम ख़त्म हो गया, अभी हम लोग मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स आवर वार्ड, दैट इज के वार्ड। गाइस अभी बाहर आया हूँ मैं लंच लेने के लिए, क्योंकि टेस्ट पूरा ख़त्म हो गया है। तो आज खाएंगे बिरयानी, तो बिरयानी पैक कराते हैं और ले जाते हैं अंदर। चलिए, तो बहुत भूख लगा है इसलिए जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वाला बिरयानी है तो उससे हम लोग ले रहे हैं और जल्दी जल्दी जाके खाते हैं। अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं और अभी लंच करते हैं। लंच में है बिरयानी। तो गाइस शाम के 7:30 बज गए और मैं छील रहा हूँ ये ड्रैगन फ्रूट मामा के लिए, उनको खाने देने के लिए। और कल का ब्रोंकोस्कोपी है, ब्रोंकोस्कोपी होगा इसलिए रात को 12 बजे के बाद इसको खाना नहीं है सवेरे तक, जब तक इसका टेस्ट नहीं हो जाता। इसलिए अब इसको अच्छे से खिला रहा है ताकि कल भूख ना लगे जल्दी। तो इसको खिलाने के बाद फिर इसको इडली भी लेके आए हैं, तो इडली खिलाऊंगा मामा को क्योंकि कल तक इसका पेट भर के रखना है। तो गाइस मेरा आज का काम हो गया है इधर समाप्त, तो निकल रहा हूँ मैं। 9:30 के बाद जेंट्स को अलाउड नहीं होता है, तो अभी मैं जा रहा हूँ रूम के लिए और रूम में जाके डिनर का अरेंजमेंट करना है, डिनर खाना है, फिर कपड़ा धुलाया था कल तो कपड़ा को भी सुखाना है। तो चलिए गाइस मिलते हैं रूम पर और आपको कुछ बताते हैं। अच्छा तो गाइज मैंने शावर ले लिया है और कपड़ा भी चेंज कर लिया है। तो आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा गाइज, रिलेटेड टू कैसा आना है आपको यहाँ प्लान करके। तो गाइज सबसे पहला स्टेप ऐसा रहेगा कि आपको डॉक्टर से रिफ़र का कागज़ लेना है, सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो। उसके बाद आप यहाँ आने से पहले एक अपॉइंटमेंट ले लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये आप एक ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। एक वेबसाइट है, मैं इधर नीचे छोड़ देता हूँ, आप उस पर जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा और यहाँ आपको दिखा भी दूंगा कि कौन सा वेबसाइट है। उधर जाके आप अपना एक आईडी क्रिएट करोगे और आईडी क्रिएट करने के बाद आप अपॉइंटमेंट ऑनलाइन भी ले सकते हो और तब डेट के हिसाब से आप अपना डे को प्लानिंग कर सकते हो कब तक यहाँ आना है। तो कभी कभी ऑनलाइन में कुछ अगर आपको डाउट्स रहेगा तो मैं एक ब्रोकर का नंबर भी छोड़ दूंगा जो आपके लिए अपॉइंटमेंट ले देगा और एग्जैक्ट डेट आपको बता देगा कि कब आपको आना है, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करके यहाँ आ सकते हो। तो यहाँ दो तरह का आपको मिलेगा ओपीडी, एक है जनरल एक है प्राइवेट। तो प्राइवेट जनरल में ऐसा लेगा, जैसे जनरल एज नाम जैसे जो डिफाइन करता है वैसे ही है, जनरल सब कोई आएंगे और भीड़ थोड़ा ज़्यादा रहेगा और डॉक्टर्स भी थोड़ा यंग वाले रहेंगे जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और जो ख़त्म किया रिसेंटली, तो ऐसे वाला रहेंगे और डॉक्टर्स बार बार चेंज होते रहेंगे जनरल में। और आप अगर दूर से आ रहा हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्राइवेट में जाइए, तो प्राइवेट वाला में है आपको मिलेगा एक स्पेसिफिक डॉक्टर आपके लिए, जो कि आपको हर समय आप जब भी यहाँ विजिट करोगे, रिविजिट होगा तो आपको वही डॉक्टर मिलेगा। तो मैं आपको ऑप्ट करूँगा ये सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि आप इतने दूर से आ रहे हो तो थोड़ा पैसा खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जनरल का इतना पैसे के बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन आप जब ऑनलाइन बुक करोगे तो सब हो जाएगा। तो ये प्राइवेट वाले का मेरा ख्याल से प्राइस है 900 फॉर द टिकट अपॉइंटमेंट लेने के लिए। CMA वाला इंश्योरेंस है स्पेशली अरुणाचल वाले के लिए। वहाँ से आपको CMA वाले ऑफिस में जाना है और उसको एक्टिवेट कराएं, जो कि जनरल हॉस्पिटल ट्रिम्स नाहरलगन में ही है। तो जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाता है तो वहाँ से हमारे अरुणाचल से जो CMC का अकाउंट है उसमें 500,000 एडवांस घुस जाता है। तो आप बेफिक्र होकर यहाँ आ सकते हो। फिर दूसरा, आप वहाँ से वेल प्लान करके एदर कनेक्टिंग फ्लाइट थ्रू ईटानगर से कोलकाता एंड कोलकाता से कनेक्टिंग फ्लाइट में आप आ सकते हो। दूसरा, आप अगर थोड़ा सस्ता करना चाहेंगे तो आप पहले गुवाहाटी बाई ट्रेन जा सकते हो एंड देन वहाँ से आपका डायरेक्ट फ्लाइट है चेन्नई तक का। फिर चेन्नई से आपको ओला करते हो तो आपको थोड़ा 3,000 प्लस समथिंग जाएगा आपका पैसा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ओला उबर बुक ना करें। आप यहाँ से लोकल नंबर, टैक्सी का नंबर मैं छोड़ देता हूँ अगर आपको चाहिए होगा। मेरी इस होटल का ही एक टैक्सी सर्विस भी है जो कि आपको एयरपोर्ट से यहाँ तक, यहाँ से एयरपोर्ट ओनली 2,500 में पहुँचाएगा। तो बहुत ही अच्छा सर्विस है, एयरपोर्ट में आपको पिकअप करने आ जाएगा और यहाँ ड्रॉप भी कर देगा आपको जहाँ जाना है उधर तक, CMC वेलोर आई मीन। और दूसरा, यहाँ अगर आप रहना चाहते हो तो अगर लंबा रहना है तो आई वुड सजेस्ट आप एक रेंट हाउस ले लें। और रेंट हाउस के लिए हमारे अरुणाचल का एक स्पेशल ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है कम्युनिटी, मुझे पता नहीं था। इधर एक मिली एक डॉक्टर मैडम जो अरुणाचल से थी, तो उन्होंने मुझे बताया और वो मुझे ऐड भी कर दिया उसमें, उस ग्रुप में। तो अगर लंबा रहना हो तो रेंट, फिर अगर थोड़ा शॉर्ट समय जैसे कि 10-15 दिन का हो तो आप ऐसे लॉज में रह सकते हो, होटल लॉज में रह सकते हो, कुकिंग भी कर सकते हो, बाहर ही रहता है कुकिंग, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। इधर सिलेंडर भी फ्री रहता है आपके लिए। और यहाँ का प्राइस आपको बता देता हूँ, जो नॉन एसी है वो आपको मैक्सिमम 1,000 तक देगा, और मैक्सिमम 1,000 उसके बाद उससे बाकी नीचे, तो 400, 250, 300 ऐसे में भी मिलता है, पर शायद कंडीशन ख़राब होगा तो 1,000 तक जाता है, 1,000 से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। और दूसरा, AC का 1,200 से शुरू होता है, और अगर आप थोड़ा अंदर जाओगे, थोड़ा जितना दूर जाओगे CMC से, तो उतना आपको सस्ता पड़ेगा। और मैं अभी रह रहा हूँ ये कूना रेसिडेंसी पे, तो कूना रेसिडेंसी जस्ट ऑपोजिट टू CMC मेन गेट है, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है रहने को। इधर आपको AC रूम मिलेगा ओनली 1,100, प्राइस भी ठीक लगा मुझे, क्योंकि जब भी क्योंकि मैं, मेरे जो मामा हैं तो हम दोनों ही सिर्फ आए हैं, तो अटेंडेंट को रात में अलाउ नहीं करते, जैसे कि जेंट्स अटेंडेंट को आफ्टर 9:30 अलाउ नहीं करते। तो मैं वापस आ जाता हूँ दिन भर उधर रह के, सुबह से दिन रात तक उधर ही रहता हूँ, फिर रात के समय सोने से पहले यहाँ आ जाता हूँ रूम पे। और ये वीडियो जो है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, ये बस सिर्फ अरुणाचल के लिए नहीं है। आपको जो CMA कार्ड को छोड़ के बाकी जो चीज़ है, जो इन्फॉर्मेशन है आपका रहने का, ट्रैवलिंग का, ये सब इन्फॉर्मेशन कॉमन इन्फॉर्मेशन है। या इंडिया के कहीं कोने से भी आप आते हो या तो बाहर से भी आते हो तो यही सेम प्रोसेस फॉलो होगा। तो गाइस, यहाँ शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक होने के कारण मुझे उधर जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, पूरा देखभाल करने के कारण मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो गाइस, मैं जैसे ही यहाँ से निकलता हूँ मैं जाके कहीं होटल में होल्ड करूँगा, और होटल में होल्ड करने के बाद मैं आपको मेरे जो कॉलेज है SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई में है, तो आपको उसका एक टूर कराऊंगा और दिखाऊंगा कि कितना अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, जो कैंपस है बहुत ही अच्छा है। तो उसको एक बार आपको टूर करा के मेरा नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा। तो आज से वीडियो 3-4-5 दिन के बाद आपको मिलेगा। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अगर मेरे डेली लाइफ को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बने रहिएगा, कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग द वीडियो। Until we meet next time, thank you for watching guys.